आप लोगों का कहना यह था कि अमेरिकन लोग काफिर लोग चले जाए वो चले गए आप भाई भाई, भाई को क्यों मारते हैं मैं कोई डरने नहीं, नहीं, नहीं आप इंडिया में आ जाओ मुझे मार दो ले, तारुक ये ये ले सर सबूत बात कर रहे बकरे की तरह जब कश्मीर में हमारी शान के खिलाफ है कि इनके जैसे वाहिया आदमी से चर्चा करें लेकिन क्योंकि इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया तो मैं एक बात जरूर कहूंगा भारतीय सेना ने अगर फूक भी दिया ना तो उड़ जाएगा पूरा तालिबान और अरब सागर में जाके गिरेगा दोस्तों तालिबान अफगानिस्तान में औरतों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है और यहाँ तक कि अब तालिबान सरकार ने औरतों का गला घोटने वाले नियम बनाए हैं और औरतों को घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं है और यदि निकलती भी हैं तो पूरे हिजाब के साथ निकलें इसी से परेशान होकर अफगानिस्तानी महिलाओं ने कल रात को प्रदर्शन किया तो दोस्तों आज के डिबेट में आप देखेंगे की जब तालिबान और पाकिस्तानी पत्रकारों के द्वारा तालिबान नाम के गुणगान किए गए तो अफगान और भारत की पत्रकार ने मिलकर तालिबान पत्रकार को जमकर लतार लगाई और तालिबानी पत्रकार को आईना खाने की कोशिश की लेकिन दोस्तों आप जानते ही हैं ये लोग कभी भी सुधर नहीं सकते और जहाँ पर भी जाएंगे अपनी जहालत को जरूर फैलाएंगे तो चलिए दोस्तों देखते वीडियो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और लाजवाब होने वाला है इसलिए अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेलाइकन को प्रेस कर ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव ऐसी मिल जाए और मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद राम राम शाहिंग अफगानिस्तान के पत्रकार खान सुनिए उनको वो बताएंगी वो पोल खोलेंगे आपका शाही ये बताइए इनकी बातों में कितनी सच्चाई है सबसे पहले अहमद खान साहब सुनिए सबसे, सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम मुझे कहना ये है भाई साहब कि अगर खाना जंगी इंडिया करते पर ये फाइस अमित जो वहाँ का चीफ है वहाँ क्यों फोकस देने के लिए गया है क्यों चाइना का लोग वहाँ लेके गया है क्यों रात और रात बम ब्लास्ट करते क्यों बमबारी करते अगर तुम लोग हम लोगों को खाना जंगी पे मजबूर नहीं करते हो तो इंडिया का नाम क्यों बदनाम करते हो ऐसे क्यों अफगानिस्तान के पत्रकार है मैं हर गली का खबर का चीफ अफगानिस्तान के भीतर क्या कर रहा है हर गली का खबर मुझे तो पता है लीदीज लीदीज अर... का बात तो अलग ही अलग है जो है भूख से मजबूर होकर घर के बाहर है अधिकारों की मांग कर खान साहब और दूसरी बात ये कह रही है की पाकिस्तान जिम्मेदार है और दूसरी बात ये की शरीय 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 बोलते अगर शरीय बोलते मैं क्यूँ इंडिया में हूँ डरने वाली जगह नहीं है मैं क्यूँ पर्दे में हूँ मैं तो नंगा नहीं घूमती हूँ फिर क्यों मैं अपना मजहब रखती हूँ पर बात ये कि प्लीज प्लीज आप लोग इस्लाम को बदनाम मत कीजिए और नहीं। खाना जंगी को तो पाकिस्तान की है हम लोगों का जितना बेवकूफ तालिबान अनपढ़ गवार तालिबान जो यहाँ वहां से यहाँ आ गए कुछ भी समझ नहीं आते चाइना के इशारों में पता नहीं बर्तानिया के इशारों में किस किस के इशारों में तालिबान को आप कहते हैं कि ये तो गुलामी के जंजीरों को तोड़कर बाहर निकला है उसको शाइन बोल रही है कि वो किस तरह अलग अलग, अलग शब्दों का इन्होंने लवान और तमाम बातों का इनको जो किया गया है ठीक है तारिक गर्जनी जुड़ चुके हैं तारिक गर्जीवाल जो की तालिबान समर्थक पत्रकार है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है काबुल से तारिक गर्जनीवाल जी महिलाएं क्या बिना हिजाब के कटा हुआ तरबूज हैं और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है महिलाओं के ऊपर अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही है तालिबान के अप, अप, जुल्मों की वजह से अलग अलग हिस्सों से न सिर्फ काबुल बल्कि अफगानिस्तान से शाहीन हमारे साथ मौजूद है अफगानिस्तान से ही है वहां की पत्रकार रही है लेकिन तालिबान के जुल्मों की वजह से उनको हिंदुस्तान आना पड़ा है वो कह रहे हैं कि खोलकर बात कीजिए आप तारिक गजरीवाल शाहीन मैं चाहूंगी कि आप डायरेक्ट उनसे बातचीत कीजिए आप बताइए ना आप बताइए क्या हो रहा है आप बताइए नहीं कल शाम को क्या हुआ आप लोग क्यों पाकिस्तान के साथ मिले हुए हो भाई भाई को मारते हैं और आप लोग खुश होकर यहाँ अपना अफगानी हो ये पंचेर कहा है अपना है ना आप कहा क्यों वही अफगानिस्तान क्यों क्यों पंचेर के साथ आप मार मारी करते हो अगर ये पाकिस्तान आपको नहीं लगवाते आप आप तो फिर फैज अमीर क्यों आया है फैज अमीर क्यों आया है आप, नहीं है? बात यहाँ सुने? का या कहीं और का आप लोगों का कहना यह था कि अमेरिकन लोग काफिर लोग चले जाए वो चले गए नहीं? आप भाई बाई को क्यों मारते हैं मैं कोई मरने वाले नहीं हूँ आप इंडिया में आ जाओ मुझे मार दो हमने कश्मीर कश्मीर नहीं है पता है क्या आपका क्या मसला है आपको बिल्कुल नहीं तो भो भो नहीं वो बात नहीं है अब देखिए आज कल जो लड़ाई हो रही है कश्मीर वाले बात ये इन्होंने इसलिए किया कि कश्मीर के लोगों को तो आप लोग मजबूर करते हो ये तालिबान पाकिस्तान का मजबूर करते हैं वो इसलिए मजबूर करते हैं कि जितना अफगानिस्तान का लोग यहाँ आ चुके उनको भी डरा दो धमका दो ताकि ये लोग भी फिर भी वापस अपना कंट्री में जाए तालिबान गालिबान दावा कर रहा था वो बदल गया है महिलाओं के अधिकार की बात कही जा रही थी महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा सरकार में शामिल किया जाएगा लेकिन तालिबान भी एक्सपोज हो रहा है जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है आपके आप खुद अफगानिस्तान के जो रिपोर्टर है वो यहाँ आकर शरण ली हुई है समझते हैं इसका मतलब क्या होता है ये तो दिखाई देगा आप दिखाया दिखाई, आप को बोलो ये तो दिखाई, दिखाई हुआ। देगा मैंने कहा कि ये जो है ये 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 सब के के लिए लिए बात कर रहे हैं सबूत देखे थोड़ा सा और ऊपर नहीं है सर बकरे की तरह जबर किया गया है कश्मीर में एक सेकेंड सर ये इस मानसिकता से बाहर आइए तारिक गजरीवाल और ये कश्मीर का छोड़ दीजिए और इतना मुस्कुराने तो की जरूरत नहीं, नहीं है अपनी महिलाओं को देखिए कि आपकी महिला आकर यहाँ पर आपके खिलाफ इतना बोल रही है और फिर भी आप मुस्कुराए जा रहे हैं और आपकी महिलाएं वहां पर खुद के लिए की मांग कर रही है आपको शर्म नहीं आ रही है देखिए आप वीडियो देखिए आप वीडियो देखिए आप वीडियो देखिए और शर्म कीजिए आपके अफगानिस्तान की महिला ये वीडियो दिखा रही है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है बिल्कुल है आप ये, 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 को ये, की है। है है? बकरे की तरह किया है फिर है। उन लोगों को कहते हैं जो कुछ इनके पास है उठाओ उठाओ ए, मेरे ख्याल में ये कोई, कोई भारतीय पत्रकार हमारे गए थे पर क्या क्या उनके साथ आप लोगों ने मैडम ये भी दूसरा क्या आप लोगों ने ये दूसरे जो आज जलाते हैं मार दिया हमारे कमांडो हमारे भारतीय पत्रकार को और आप बुला रहे हैं कि पत्रकार है वहाँ पर है हमारे पत्रकार वहाँ पर ये देखिए लेकिन जो पत्रकार काम कर रहे हैं उसको गिरफ्तार कर ले रहे हैं आप लोग और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ईश्वर काबुल की काबुल की तस्वीरों पर बोले ना तारिक गजरीवाल वहीं पर है ना आप काबुल ये, में ये देखो ये पचास लोग है ये सब तो ऐसा लोग ये पचास लोग है इन महिलाओं की आवाज सुनाई नहीं दे रही है आपको महिला प्रदर्शनकारी चला देते सब सबूत है मेरे पास लाइव गौरव भाटिया जी बाकी मेहमानों को मिलता है गौरव भाटिया जी ठीक है ठीक है शुक्रिया चित्रा जी सबसे पहले तो देखिए मैं एक बात कह दू हमारी शान के खिलाफ है कि इनके जैसे वाहिया आदमी से चर्चा करें लेकिन क्योंकि इन्होंने कश्मीर का जिक्र किया तो मैं एक बात जरूर कहूंगा भारतीय सेना ने अगर फूक भी दिया ना तो उड़ जाएगा पूरा तालिबान और अरब सागर में जाके गिरेगा इसलिए इज्जत से बात करें तो बेहतर रहेगा दूसरी बात इनसे पूछना चाहिए था कि एक महिला पत्रकार जो कि वहां के राष्ट्रीय चैनल पे थी उनको हटा दिया गया था तुरंत क्यों हटा दिया गया था दूसरी बात इनसे पूछना चाहिए कि आप कहते हैं बिना हिजाब की महिला एक तरबूज की तरह है तो आप फटे हुए खरबूजे की तरह है क्या ये लोग ना महिलाओं का सम्मान कर सकते हैं ना पत्रकारों का सम्मान कर सकते हैं और एक बात और कह दें ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भिकारी पाकिस्तान ने ठगा नहीं ये पाकिस्तान के दम पे बोल रहे हैं पाकिस्तान तो वो है चित्रा जी कल की खबर है जो पाकिस्तानी सैनिक लड़ते हुए मरे उनको शव लेने के लिए तैयार नहीं हुआ पाकिस्तान तो भारत जो है किसी के रहमो कर्म पे नहीं जीता है भारत अपनी टांगों पे खड़ा है अपनी शक्ति से खड़ा है हमारे पास भार नरेंद्र मोदी जी है प्लीज बीच में नहीं पत्रकार बंधु बीच में नहीं पाकिस्तान की तरह भीख नहीं मांगी कभी भी भारत और आपको मैं एक बात कहूं आपके नाम के नीचे पत्रकार लिखा हुआ और जो हमारी शाहीन बहन है, ये भी एक पत्रकार है। तो सबसे पहले तो भारत की तरफ से मैं अपनी बहन शाहीन को कहूंगा कि आपकी सुरक्षा में पूरा भारत खड़ा है शाहीन बहन आप चिंता ना करिएगा ये तरबूज खरबूज पाकिस्तान तालिबान सब आएंगे लेकिन भारत की ताकत आज आपके साथ है यह दिखाता तो है सचोकतंत्र तो दिखा क्या है, है। और यहां धर्म के आधार पे नहीं मानवता के आधार पे और महिलाओं का सम्मान कैसे कर